बॉलीवुड सेलेब्स ने लोहड़ी का त्यौहार धूमधाम से मनाया। शिल्पा शेट्टी ने अपनी बेटी समीशा और परिवार के साथ इस त्यौहार को मनाया। वहीं रणबीर कपूर के लोहड़ी सेलिब्रेशन का वीडियो हुआ वायरल। आज मकर संक्रांति के मौके पर अमिताभ बच्चन, उर्मिला मातोंडकर, अनन्या पांडे समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर फैंस को किया विश। फिल्म मेकर इम्तियाज अली अब जल्द ही एक सटायरिकल कॉमेडी फिल्म लेकर आने वाले हैं, जिसमें दिव्येंदु शर्मा और गजराज राव मुख्य किरदार में होंगे। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का नाम थाई मसाज रखा गया है, जिसका निर्देशन मलाल फिल्म बना चुके मंगेश हंडावले करेंगे। हाल ही में आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर व्हाट शुड आई पोस्ट अ फोटो ऑफ गेम के एक राउंड में हिस्सा लिया और इसके तहत उन्होंने उनके कैमरा की 22वीं तस्वीर शेयर की। उन्होंने एक सेल्फी पोस्ट की है, लेकिन बैकग्राउंड में दीवार पर नंबर 8 जर्सी फ्रेम दिख रही है, जो कि उनके और रणबीर कपूर के प्यार को बयां कर रही है। दरअसल रणबीर कपूर फुटबॉल के बड़े फैन हैं। वो 8 नंबर को अपना लकी नंबर मानते हैं और उनका जर्सी का नंबर भी यही है। फिल्म मेडे के सेट पर साइकिलिंग करते हुए पहुंची रकुलप्रीत सिंह, वीडियो शेयर करती जानकारी। इस वीडियो को शेयर करते हुए रकुल ने कैप्शन में लिखा, मैं यहाँ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं समय प्रबंधन करने के लिए साइकिलिंग कर रही हूँ 12 किलोमीटर। जैकलिन फर्नांडिस का डांस के लिए लगाव, सोशल मीडिया पर शेयर किए कुछ तस्वीरें। खबर है कि जैकलिन इन दिनों बैले डांसिंग की प्रैक्टिस बहुत ही मेहनत से कर रही हैं। अमिताभ बच्चन ने केबीसी 12 की शूटिंग पूरी कर ली है। इस बात की जानकारी अमिताभ ने एक ब्लॉग के जरिए दी। बिग बी ने बताया कि शूटिंग के आखिरी दिन वे भावुक हो गए। बिग बी ने अपने फैंस के लिए खास ब्लॉग लिखा है। इस ब्लॉग के साथ उन्होंने अपने रिटायरमेंट की बात की है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या कौन बनेगा करोड़पति में अब नहीं दिखेंगे अमिताभ। वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी को लेकर खबर फैली कि मुंबई से सटे अलीबाग में दोनों 24 जनवरी को शादी करेंगे। रिपोर्टेडली 22 और 23 जनवरी को संगीत और मेहंदी का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लेकिन इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने वरुण धवन के अंकल अनिल धवन से बात की तो उन्होंने इसे महज एक अफवाह बताया। बड़े पर्दे पर कंगना रनौत दोबारा योद्धा की भूमिका में करेंगी वापसी। कंगना इस बार कश्मीर से जुड़ी कहानी पर फिल्म बनाएंगी। मणिकर्णिका फ्रेंचाइज की अगली फिल्म मणिकर्णिका रिटर्न्स द लेजेंड ऑफ दिद्दा में एक बार फिर कंगना लीड रोल में नजर आएंगी। इस बार वो कश्मीर की शासिका रानी की कहानी को अपनी फिल्म के माध्यम से पिरोने जा रही है। इसका ऐलान कंगना ने सोशल मीडिया पर किया है। विराट कोहली के पिता बनते ही घर पर अब धन की बम्पर बरसात होने वाली है, क्योंकि कई विज्ञापन कंपनियों इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है। खबर है कि विराट कोहली को बेबी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों की तरफ से ऑफर मिलने शुरू हो गए थे। ऑनलाइन सेंटिमेंट एनालिसिस कंपनी चेक ब्रांड के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू इंडियन क्रिकेटर्स में सबसे ज्यादा है। विराट की ब्रांड वैल्यू 328 करोड़ रुपए है। रवीना टंडन ने अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी की तस्वीरों को क्लिक नहीं करने के पैपराजी के फैसले को सम्मान किया है। विरुष्का ने अपने और अपनी बेटी की प्राइवेसी का सम्मान करने के लिए पैपराजी और मीडिया हाउस से अनुरोध किया था। उन्होंने पैपराजी से रिक्वेस्ट की है कि वो तस्वीरें ना क्लिक करे। मशहूर फोटोग्राफर विरल भयानी ने एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने विरुष्का की बात को मान लिया है और वो बाकी फोटोग्राफर्स को भी बता देंगे। अब इस पर रवीना टंडन हुई इमोशनल और मीडिया के फैसले की तारीफ की। देखिए ये पोस्ट।